देखिए, लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। आगे का चुनाव कैसे हम जीतें और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं कल से। मैं और इस बात का आकलन जरूर करूंगा कि जो हम किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी, वो हार कैसे। देखिए, केकई के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। निकल पा रहा क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी बक्सर के क्षेत्र से, जो पूर्व सांसद थे उन्होंने कहा था कि मैं हूँ, मैं ही रहूँगा, कुछ ऐसी बातें भी आई थी, क्या उन तमाम चीज़ों पर बात हो रही है? देखिए, लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। और पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है और वो पार्टी फोरम पर रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में आदरणीय मोदी जी जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ, जैसे बक्सर में हमारे कार्यकर्ता हारे तो उनके हार का दुख इसलिए कम हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, तब बड़े उत्साह से और दुगुने उत्साह से आगे का चुनाव कैसे हम जीतें और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। कल से मैं भी बक्सर के 6 दिवसीय प्रवास पे जा रहा हूँ, हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठूँगा, मिलूँगा और इस बात का आकलन जरूर करूँगा कि जो हम किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी, वो हार कैसे। भीतर और छल की बात लगता है कि अंदर भी हुई है पार्टी के अंदर। देखिए, जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी, फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा, क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते, हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। मित्र जी, अब विजय सिन्हा ने माना कि मंथरा और केकई के कारण ही जो है ये परिणाम जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, केकई के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूँ कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा।